बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल ने जहां साल 2017 में फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था, वहीं अब सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल भी इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं, जहां वह पूनम ढिल्लो की बेटी पलोमा के साथ इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं और इस फिल्म का नाम दोनों है, जो कि एक लव स्टोरी है। वहीं आज फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जो लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। बताते कि जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है, तभी से फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं और आज मेकर्स ने फिल्म दोनों का टीजर रिलीज करके फैंस को चौंका दिया है। वहीं हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था और अगर दोनों के टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत राजवीर और पलोमा के समुद्र किनारे बैठे हुए सीन से होती है। दरअसल टीजर में राजवीर और पलोमा की पहली मुलाकात एक शादी में होती है। राजवीर जहां दूल्हे के दोस्त होते हैं, वहीं पलोमा लड़की वालों की तरफ से होती है। दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है। टीजर में दोनों की केमिस्ट्री को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है, जिसे देखने के बाद लग रहा है कि फिल्म में दोनों कमाल करने वाले हैं। वहीं सनी देओल ने भी बेटे राजवीर का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने टीजर शेयर करते हुए लिखा है, दो अजनबियों के साथ प्यार की मासूमियत का स्वागत कर रहे हैं, जिनकी मंजिल एक है। जल्द ही सिनेमा घरों में एक नई यात्रा शुरू होगी। दरअसल बता दें कि फिल्म दोनों में राजवीर और पलोमा दोनों का बॉलीवुड डेब्यू हो रहा है। इसके साथ ही फिल्म में डायरेक्टर अविनाश एस बड़जात्या का भी डेब्यू है। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शन के तले बनी है। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो मेकर्स जल्द ही दोनों की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट करेंगे। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।